हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं मरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। आज वीडियो में जानने वाले हैं एक्चुलेटर के बारे में। हमें एक फ्रेंड ने पूछा था एक्चुलेटर वाल किस लिए यूज किया जाता है, कौन से एसी में यूज किया जाता है और उसका काम क्या रहता है, कैसे वर्क करता है। तो ये वीडियो में ये सब के बारे में जानने वाले हैं। एक्चुलेटर वाल कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या सिस्टम रहता है, कैसे वर्क करता है और क्या काम रहता है। तो अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। हम आपके हेल्प के लिए कुछ आइडियाज बताने वाले हैं जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो सकता रहेगा। जैसे आप एसी, टेक, फ्रिज, वॉशिंग मशीन को सब टेक्निकल वर्क करते हैं, हम आपको ऑनलाइन काम दिला सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल जरूर रहेगा। तो आप देख सकते रहिए, ये एक्चुलेटर है, एक्चुलेटर वाल है। ये जो हमारा यूज होता है चिल्लर प्लांट में यूज होता है, HVAC में यूज किया जाता है ये। इसके एक जो है नॉर्मल एक वाल सिस्टम है, वाल जो ओपन क्लोज किया जाता है। ये के जो हमारा ये बेसिकली जो है चार टाइप के आते हैं और भी बहुत से टाइप के आते रहते हैं, लेकिन अलग अलग कंपनी के अलग अलग डिवाइस के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनते रहेंगे, लेकिन बेसिकली जो है चार टाइप के हम बता रहे हैं आप लोग को। इसमें आपको आ जाता है मैनुअल वाल आ जाएगा, मैनुअल एक्चुलेटर वाल आ जाएगा। दूसरी बात आता है इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक वाल आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है हाइड्रोलिक वाल आ जाता है। उसके बाद आ जाता है मैनुमेटिक वाल आ जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते रहिए, चार टाइप की बेसिकली चीज़ें हैं वाल आते हैं। तो ये जो काम रहता है एक नॉर्मल हमारा ये बंद चालू करने के लिए किया जाता है। जो HU रहता है, चिलर रहता है, चिलर में तो नहीं होता है ये, लेकिन चिलर के जो पाइपलाइन रहते हैं, पाइप्स रहते हैं या डक्ट में रहते हैं, उधर यूज किया जाता है। जो कंट्रोल के लिए टेम्परेचर के हिसाब से कंट्रोल डिवाइस के लिए ये यूज किया जाता है। ये हमारा जो HU हो गया या फिर FCU हो गया, इसमें जो इनलेट पाइप रहते हैं, इनलेट वाटर जो रहते हैं, इसके फ्लो को, प्रेशर को, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ये ऑटोमेटिक जो वाल रहते हैं, मोटराइज वाल जो लगे रहते हैं, ये प्रेशर को, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए लगाए जाते हैं। ये BMS सिस्टम से हमारा ऑपरेट हो जाता है या फिर मैनुअल भी ऑपरेट हो जाता है। BMS सिस्टम से ज़्यादातर इसको ऑपरेट करने के लिए इसको लगाया जाता है, मोटराइज एक्चुलेटर वाल को। तो देख सकते रहेंगे जो हमारा HU हो गया, HU में क्या होता है, इसका जो पानी का प्रेशर रहता है, बहाव रहता है, इसको हम जो है BMS या कंप्यूटर सिस्टम से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमें कितना रिक्वायरमेंट है, ठंडा हमें कितना चाहिए, HU से हमें प्रेशर जो हमें कितना टेम्परेचर आउट होना चाहिए, वो हिसाब में उसमें टेम्परेचर लगे रहते हैं, टेम्परेचर थर्मोसे लगे रहते हैं जो सेंस करते हैं, हमें मालूम चलता है कितना डिग्री जो हमारा रिटर्न कर रहा है, आउट कर रहा है, HU से एयर को आउट कर रहा है। तो इसमें हमारा कितना टेम्परेचर का, कितना प्रेशर जो हमें इसमें पानी चिल्ड वाटर जाना चाहिए, कितना टेम्परेचर इसमें होगा मेंटेन। तो यहां से हम इसको प्रेशर जो रहता है, इसको ये क्या करता है, जो HU को प्रेशर को जो रहता है, पानी को जो चिल्ड वाटर जो रहता है, इसको कंट्रोल करता है, इसको जो प्रेशर को लो करता है, कंट्रोल करता है, यानी कि कितना PSI में जाना चाहिए। एग्जांपल हमारा 60 PSI है, 50 PSI है या 30 PSI है, जो भी अलग इतना नहीं रहता है, लेकिन एग्जांपल हम बता रहे हैं आप लोगों को जितना हमें प्रेशर जाना चाहिए उस हिसाब से, हमें रिक्वायरमेंट हिसाब से हम इसको इलेक्ट्रिक जो रहते हैं, मोटराइज एक्चुलेटर रहते हैं, इसे हमें कंट्रोल कर देता है, यानी कि बहाव को, जो प्रेशर को ये कंट्रोल करता है, या फिर हमें नहीं चाहिए तो इसको हम यहाँ से बंद कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली जो है पानी का बहाव जो रहता है, प्रेशर जो रहता है इनलेट में, जो हमारा चिल वाटर रहता है, वो बंद हो जाता है, जिससे हमें HU में या फिर FCU में जो चिल वाटर रहता है नहीं जाएगा, तो हमारा कूलिंग नहीं होगा, या फिर कम प्रेशर जाएगा, कम वाटर जाएगा तो कम कूलिंग होगा, लो कूलिंग होगा, या फिर ज़्यादा कूलिंग चाहिए तो इसमें प्रेशर के हिसाब से कंट्रोल किया जाता है, कम चालू किया जा सकता रहेगा। ये जो हमारा चिलर के इनलेट वाल में लगे रहते हैं, HU के जो रहते हैं, या कोई सा भी पाइप सप्लाई हो गया उसमें जो हमारा इनलेट में इसको लगाया जाता है, यानी प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए वाल लगाया जाता है। उसके बाद कई सिस्टम में हमें देखने को मिलता है, डक्ट में भी देखने को मिल जाता है। डक्ट का जो सप्लाई रहता है, एयर सप्लाई जो रहता है, उसे भी कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। ये भी हमारा बेसिकली जो डैम्पर रहते हैं, कई बार हमें जो रूम का किना एयर फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि कोई रूम में चाहिए हमें ज़्यादा प्रेशर चाहिए, जितना हवा का फ्लो चाहिए, उसको RPM में देखा जाता है या CFM में देखा जाता है। एग्जाम्पल उसमें हो गया हमारा 1000 CFM चाहिए और ज़्यादा ठंडा हो गया, 1000 CFM पर ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमें जो एक्चुलेटर रहता है, इसको डैम्पर को रहता है, थोड़ा कम कर देगा ऑटोमेटिक, तो BMS से हम इसको डिमांड देंगे, कंट्रोल करेंगे, तो ये प्रेशर को थोड़ा सा कंट्रोल कर देगा, कम कर देगा, जिससे जो CFM रहता है, प्रेशर जो रहता है, हवा का बहाव जो रहता है रूम में जाने वाला, वो कम हो जाएगा, जिससे रूम में कम कूलिंग होगा। तो ये जो बेसिकली जो है डैम्पर को क्लोज किया जाता है, या फिर पानी के बहाव को, प्रेशर को जो है कंट्रोल किया जाता है, कम ज़्यादा किया जाता रहेगा। ये जो हमारा मैग्नेट जो मोटराइज जो है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक टाइप के ऑटोमेटिक एक्चुलेटर रहते हैं, इसे जो है
बीएमए सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है। जो हमारा मैनुअल रहते हैं, हाइड्रोलिक रहते हैं, इसको भी मैनुअल तरीके से हमें एक बार सेट कर दिया जाता है कितना प्रेशर हमें चाहिए एचयू में चाहिए, या कितना प्रेशर, कितना हवा जो हमें डक्ट के माध्यम से आगे बहाव करना है, रूम में कितना सीएफएमए में भेजना है, उसको बेसिकली जो एक बार सेट कर देंगे, मैनुअल रहता है जितना हमें प्रेशर चाहिए उसे सेट कर देंगे, या ऑटोमेटिक उतना फिर प्रेशर पर हमारा हमेशा के लिए चलता रहेगा, हवा जाता रहेगा। ये बेसिकली एक्चुएटर का काम यही रहता है, बंद चालू करने के लिए ऑटोमेटिक तरीके से यह प्रेशर को या वाटर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। ये हमारा जो है इसका कनेक्शन वगैरह आते हैं, ये टू वे टाइप के आते हैं या थ्री वे टाइप के आते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसका किस तरह से कनेक्शन वगैरह रहता है या इसका जो कितना वोल्टेज पर वर्क करता है। बाकी और भी इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए, इसके बारे में हम बताएंगे आप लोगों को किस तरह से इसका कनेक्शन वगैरह रहता है, और भी क्या क्या फॉल्ट आ सकते रहेंगे इसमें, क्या क्या खराब रहता है, कैसे रिपेयर करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ जानने से कुछ मिला है, अच्छा लगा है, तो हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस तरह से वीडियो देखने के लिए थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है, ऑल नोटिफिकेशन आता है, उसको ऑन कर दें, जैसे कोई भी तरह से वीडियो बनाए तो आपके पास भेज सके और आप भी सीख सके, देख सके। आप ये वीडियो नए टेंशन नए लोग पास शेयर करें जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं या ये फील्ड में आना चाहते हैं या ये सब के बारे में जानना चाहते हैं, टेक्निकल नॉलेज लेना चाहते हैं, उनके पास ये वीडियो शेयर करें। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।